अमन का निशान, हमारा पाकिस्तान जज्बा खैर सगाली का शानदार मुजाहरा। भारतीय पायलट रिहा, रेंजर्स हुकाम ने वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को भारतीय हाई कमीशन के हवाले किया। 27 फरवरी को पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारा गिराए जाने पर भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय पायलट की रिहाई के बाद अमन की तरफ पाकिस्तान का एक और कदम, पाकिस्तान ने दोस्ती बस चला दी। बस के जरिए 16 मुसाफिर भारत चले गए, भारतीय शहरियों के साथ दूसरे ममालिक के मुसाफिर भी शामिल। अमन के दाई पाकिस्तान के सिपाही, दिफाए वतन के लिए अहले लाहौर सीना सिपर, शहर भर में तीसरे रोज भी रैलियां और मुजाहरे। पाक फौज से इजहार यकजहती, एपका के जेर एहतमाम, पंजाब असेंबली से गवर्नर हाउस तक बड़ी रैली, मोदी का पुतला नजरे आतिश। हाई कोर्ट में वकला का पाक फौज के हक में मुजाहरा, बल्दिया उजमा की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन और DHA ट्रेडर्स यूनियन भी सड़कों पर। बिस्मिल्ला चौक पर भी दिफाए वतन के लिए शहरी पुराज़्म, शालम मार्केट और मिनगुमरी रोड पर ताशिर बरादरी का भी पाक फौज के शाना बशाना चलने का आज़्म। रिक्शा यूनियन की लिबर्टी में रैली, पाक फौज के हक में नारेबाजी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास, पंजाब काबीना ने क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म के इकदामात को सराहा। भारतीय जारहियत के खिलाफ इकदामात की तायद, अमन के लिए कोशिशें की हैं, पाकिस्तान ने अमन के लिए आवाज़ बुलंद की और अमली इकदामात भी किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगु, वज़ीर आज़म की LDA की तंजीम नौकी भी हिदायत। पुलिस गैर सियासी होगी, कोई मदाखलत नहीं करेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब काबीना के अरकान पर वाज़े कर दिया। सानिहा साहिवाल पर JIT रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, रिपोर्ट के तनाजुर में इकदामात का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस में मेरिट पर तकर्रियां होंगी, करप्शन और बद इंतजामी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी इलाकों में ऊंची इमारतों की हद पर कवानीन बनाए जाएं। बीबी पाक दामन दरबार की तज़ीन व आराइश का भी फैसला, ज़ायरीन के क़याम की जगह भी मजीद तौसी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। पाक भारत कशीदगी, फजाई हदूद की बंदिश में मजीद तौसी। इलामा इकबाल एयरपोर्ट और वॉल्टन एयरपोर्ट 4 मार्च तक बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से 88 परवाजें मनसूख। मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पिशावर एयरपोर्ट फजाई ऑपरेशन के लिए खोल दिए गए, तर्जुमान सिविल एविएशन हुक्काम। भारतीय पायलट की रिहाई, जज्बा खैर सगाली करार, पंजाब असेंबली के इजलास में अरकान की हुकूमती इकदामात की तारीफ। मोदी सरकार वज़ीर आज़म के अमन के पैगाम का मुस्बत जवाब दे, अरकान असेंबली, अमन हो या जंग, सब सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। अब्दुल अलीम खान, अपोजिशन अरकान ने मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, अलीम खान के खिलाफ नैब की तहकीकात जारी, केस की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में दाखिल करने की मंजूरी, फैसला नैब लाहौर की बोर्ड मीटिंग में किया गया। पाकिस्तान है, दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, ये पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमत 60-70 रुपए लीटर होनी चाहिए। सैलरी वहीं पे है और पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है, काफी फर्क पड़ जाता है। वहाँ वहाँ से कोई भला करे, वहाँ वहाँ से फिसदी जाती, फिसदी जाती, बढ़ जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे, और क्या होगा। मसला ये है कि एक आदमी की सैलरी सुबह से लेकर शाम तक वो 400 रुपये दिहाड़ी लेता है, अगर उसके ऊपर ही 250 रुपये बढ़ जाएंगे तो वो उसके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बोझ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2.50 रुपए फी लीटर का इजाफा, हाई स्पीड डीजल की कीमत 4.75 रुपए फी लीटर बढ़ गई, मट्टी का तेल 4 रुपए फी लीटर महंगा, कीमतों में इजाफे का इकदाम, हाईकोर्ट में चैलेंज।
पेट्रोल के बाद गैस बम। मोगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत में 9 रुपए फी किलो इजाफा, नई कीमत 130 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 59 रुपए इजाफा, कमर्शियल सिलेंडर 409 रुपए महंगा हो गया। सार्फिन पर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। पेट्रोल और बिजली के बाद एशियाई खुरनोश की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। सब्जियां, फल, दालें, हर शय महंगी होने का खदशा। ब्रायलर शहरियों की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 229 रुपए हो गई। शहरी परेशान। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और शानदार इकदाम। होनहार तुलबा पर इनामात की बरसात। कैंपस 10 में सालाना तकरीब, तकसीम इनामात। एंट्री टेस्ट टॉपर्स में 15 लाख रुपए के चेक तकसीम। आवारी होटल में जश्न बहारा मेला। मुख्तलिफ खानों के स्टॉल, लाहौरी मनपसंद खानों से लुत्फंदोज हुए। गुलुकारा सायरा नसीम की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। और शहर में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मॉडल टाउन, जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, मॉल रोड, समनाबाद, शिमला पहाड़ी समेत शहर के दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम का अहवाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।